Bismillahirrahmanirrahim. Today's date is 8-9-2020, as you see here. 8-9-2020, and today's topic is about cricket and the Victorian England. As we yesterday discussed about that, so now we will talk about the cricket and Victorian England. Page number 168, you can see on red dot 1.1, cricket and Victorian England. Cricket and Victorian England, ये हमारा आज का टॉपिक है, क्रिकेट एंड विक्टोरियन इंग्लैंड। कल जो हमने पढ़ा इंग्लिश सोसाइटी के बारे में कि वहां पे दो टाइप्स के टीम्स हुआ करती थी, एक तो जेंटलमैन्स जेंटलमैन ये होते थे रिच, ये एक क्लास हुआ करता था, और दूसरा क्लास हुआ करता था प्रोफेशनल्स का, प्रोफेशनल्स का वो करते थे काम, वो होते थे पुअर्स में। ठीक है, एक एक क्लास होता है रिच का, एक होता है पुअर का। कब? ये पहले की बात है जब फर्स्ट क्रिकेट डेवलप हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट क्रिकेट डेवलप होने के बारे में मैंने आपको बताया था, एमसीपीसी क्लब एक था, 1787 में इसकी पब्लिकेशन हुई, मतलब ये क्लब आया। दैट मीन्स क्रिकेट के रूल्स जो बने, क्रिकेट के रूल्स वो एमसीसी ने ही स्टार्ट किए बनाना। ठीक है, तो क्या हुआ कि जेंटलमैन्स का गेम जो था ये रिच पीपल्स का गेम था। इसमें प्रोफेशनल्स क्यों बोला जाता है पुअर को, क्योंकि ये डेडिकेटेड थे, ऑनेस्ट थे, और ये मींस प्रॉपरली खेला करते थे विद डिसिप्लिन। और ये जेंटलमैन्स का क्या पंगा था, जेंटलमैन्स का ये रॉयल हुआ करते थे, तो ये अयाश किस्म के लोग हुआ करते थे, और ये क्रिकेट को एज ए फन नहीं लेते थे। दैट मीन्स उतना सीरियसली नहीं खेल पाते थे ये लोग, क्योंकि पैसे होने की वजह से इनको इजीली क्लब्स में जगह मिल जाती थी। ठीक है, जगह मिल जाती थी, तो यही था जेंटलमैन्स और प्रोफेशनल्स का गेम। तो फिर क्या होता है, फिर हमने इसमें भी ये पढ़ा कि जैसे कि इनको एमेच्योर्स कहा जाता था, इनको एमेच्योर्स कहा जाता था। ठीक है, किनको? रिच वालों को। मैंने पहले ही बताया, क्योंकि ये अच्छे से मतलब ऑनेस्टी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, हार्डवर्क के साथ, फिजिकल इम्प्रूवमेंट के साथ ये चीजें ये लेके नहीं आते थे इस चीज को खेलने के लिए, ये पैसे के लिए अपने पैसे लगा के खुद खेलते थे। लेकिन प्रोफेशनल्स जो थे इनको तो एक तो ईयरली बेस टर्न आउट नहीं हुआ करता था, इनको मंथ्स का होता था, सेशंस का, मीन्स सेशंस में गेम्स खेलते थे ये। ठीक है, यही है रीजन इसके पीछे। इनको क्यों प्रोफेशनल्स कहा जाता था, क्योंकि इनको स्पॉन्सर करते थे, स्पॉन्सर्स होते थे इनके। जैसे स्पॉन्सर्स क्या क्या होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं मतलब जो भी किसी टीम के लिए मतलब अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या प्लेयर्स को कोई यूनिफॉर्म पे, आपने देखा होगा इंडिया की यूनिफॉर्म पे पहले पहले सहारा का लोगो, सहारा का ये होता था, लोगो होता था, और ये चीजें क्या होती है, ये स्पॉन्सर करती है उन प्लेयर्स को। ठीक है, उन प्लेयर्स को बेनिफिट मिलता है, उनको वेजेस मिलते हैं, उनको वेजेस मिलते हैं। तो यही प्रोफेशनल्स की गेम हुआ करती थी, इस चीज के लिए ये सेशन वाइज खेला करते थे। अब हमें थोड़ा आगे पढ़ना है इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, मे बी वी आर डिस्कस्ड यस्टरडे आल्सो, तो ये पढ़ना है हमें, एमेच्योर्स टेंडेड टू बी ए बैट्समैन। तो पेज नंबर 169 है, सोर्स ए भी वहां पे है और एक्सट्रैक्ट भी वहां पे ही है थॉमस हग्स के बारे में। तो ये आप को मैं खुद भी पढ़ाऊंगा और आप खुद भी पढ़ लेना, लेकिन फर्स्ट हम पैरा कंप्लीट करेंगे जो इसके नीचे है, ब्लैक इनके साथ और व्हाइट रूल्स के साथ, तो उसी पे आप ध्यान रखिए। एमेच्योर्स टेंडेड टू बी ए बैट्समैन, अब हमें इन्हीं के बारे में पढ़ा। एमेच्योर्स हमने पहले ही कहा कि एमेच्योर्स को किनको कहा जाता है, जेंटलमैन्स को, रिच पीपल को। ठीक है,
तो इनको एमेच्योर्स कहा जाता था। वहां पे लिखा है एमेच्योर्स टेंडेड टू बी ए बैट्समैन। ये दिखावा तो करते थे मींस हम बैट्समैन है, लेकिन रियल में नहीं हुआ करते थे ये लोग बैट्समैन। लिविंग द एनर्जेटिक, इनके पास एनर्जी नहीं होती थी, हार्ड वर्किंग नहीं होते थे, फास्ट बॉलिंग नहीं होती थी एज कम्पेयर टू जो प्रोफेशनल्स हुआ करते थे। उनके कंपेयर में जो एमेच्योर्स थे, जो ये रिच पीपल थे, उतने टफ नहीं थे। क्रिकेट इज अ बैट्समैन्स गेम, जो क्रिकेट है ये बैट्समैन की गेम है। और जिस पार्टली सॉरी दिस इज पार्टली वाई द लॉज ऑफ द गेम ऑलवेज गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट टू द बैट्समैन। यही रीजन है कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो बैट्समैन को मिलता है, ये किन की वजह से आज भी हम देखते हैं कि कहीं कहीं पे एम्पायर्स जो थे अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे। ये बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों रखा गया था, ये बैट्समैन्स गेम क्यों रखी गई थी, इसलिए रखी गई थी क्योंकि जो जेंटलमैन्स थे वो हाई वेज पे करते थे या अपना पैसा खर्च करते थे बहुत सारा, ताकि उनको वो बेनिफिट ऑफ डाउट जो एम्पायर्स उन्होंने खरीद रखे हुए होते थे पहले ही, वो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट में नॉट आउट दे, या उनके लिए कोई भी जो हेल्पफुल काम कर सके वो कर सकते थे बैट्समैन के लिए। तो ये पार्शली लॉ जो है ये तभी बनाया गया था। क्रिकेट इज अ बैट्समैन गेम बिकॉज इट्स रूल्स वेयर मेड टू फेवर जेंटलमैन हु डिड मोस्ट ऑफ द बैटिंग। ये उनके लिए हुआ करता था ये फेवर, किनके लिए, जेंटलमैन के लिए। आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे हर बात पे जेंटलमैन जेंटलमैन, इसलिए क्योंकि जो क्रिकेट है बेसिकली इट वॉज डोनेटेड बाय द रिच पीपल एज ए बैट्समैन के। और आपको पता ही है, आपने लगान तो देखी होगी, उसमें भी आप देखोगे कि कैसे क्रिकेट का वो उन्होंने इंस्पिरेशनल मूवी बनाई है लगान के बारे में कि क्या उनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे, फिर कैसे क्रिकेट की वजह से उनको बेनिफिट मिला। ठीक है, तो रिच पीपल की गेम इन्होंने बना के रखा था पहले। ठीक है, हु डिड मोस्ट ऑफ द सोशल सुपीरियरिटी ऑफ द मैच वॉज ऑल्सो द रीजन ऑफ कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम वॉज ट्रेडिशनली ए बैट्समैन। जो सोशल सुपीरियरिटी थी एमेच्योर्स में वो ये था कि उन्होंने रीजन एक रखा था कि कैप्टन ऑफ द टीम वो होगा जो ट्रेडिशनली एक बैट्समैन ही होगा, नॉट बिकॉज बैट्समैन वेयर नेचुरली बेटर कैप्टन, इसलिए नहीं कि वो नेचुरली बेटर ये क्रिकेटर्स थे या बेटर कैप्टन्स थे, बट बिकॉज दे वर जनरली जेंटलमैन, इसलिए क्योंकि उनका क्लास फ्रॉम जेंटलमैन होता था। कैप्टन ऑफ द टीम्स, जो कैप्टन टीम्स के वेदर क्लब टीम्स और नेशनल साइड या क्लब टीम या नेशनल साइड की टीम वेर ऑलवेज एमेच्योर्स, यहाँ पे सिर्फ एमेच्योर्स। इट वॉज नॉट टिल द 1930s, ये टिल 1930 तक ही नहीं था दैट द इंग्लिश टेस्ट टीम वॉज लेड बाय प्रोफेशनल्स, कि उससे पहले 1930 से पहले जो इंग्लिश टीम थी वो लेड किसने की थी, प्रोफेशनल ने मींस पुअरर ने, द यॉर्कशायर बैट्समैन लेन हंटन, जो यॉर्कशायर के बैट्समैन थे लेन हंटन। ठीक है, इट्स ऑफन सेड दैट द बैटल ऑफ वाटरलू वाज वन ऑन द प्लेइंग फील्ड्स ऑफ ईटन। ये ऑफन नहीं है कि बैटल ऑफ वाटरलू है वो कहां पे जीती गई है, ईटन के फील्ड्स पे। दिस मींस द ब्रिटेन्स मिलिट्री, जो ब्रिटेन मिलिट्री थी, सक्सेस वाज बेस्ड ऑन द वैल्यूज टॉट टू स्कूल बॉयज ऑन इट्स पब्लिक इन इट्स पब्लिक स्कूल। ये इसलिए था कि ब्रिटिश मिलिट्री जो थी वो सक्सेस हो गई थी कि जो बेसिक वैल्यूज है वो स्कूल बॉयज को देने की, कहां पे, पब्लिक स्कूल्स में। ईटन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ दीज स्कूल्स, ईटन इसमें से एक फेमस स्कूल था ईटन। ठीक है, द इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल वॉज एन इंस्टीट्यूशन दैट ट्रेन्ड इंग्लिश बॉयज फॉर कैरियर्स इन द मिलिट्री। जो इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल से उनमें ट्रेन किया जाता था इन इंग्लिश बॉयज को, किस लिए, मिलिट्री के लिए। द सिविल सर्विस एंड द चर्च, सिविल सर्विसेज में, चर्च में, द थ्री ग्रेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंपीरियल इंग्लैंड, जो तीन ग्रेट इंस्टीट्यूशंस है इंग्लैंड के, उनमें क्या क्या आता है, बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी से पहले, बिगिनिंग में मींस स्टार्टिंग में, मैन लाइक थॉमस अर्नोल्ड, जो थॉमस अर्नोल्ड है हेडमास्टर ऑफ द फेमस रग्बी स्कूल, फेमस
जो रग्बी स्कूल था इंग्लैंड में उसके वो हेडमास्टर थे एंड फाउंडर ऑफ सेंचुरी, और फाउंडर थे सेंचुरी के मैनी लाइक थॉमस अर्नोल्ड, थॉमस अर्नोल्ड से भी और लोग जो डिफरेंट काइंड के चीजें करते थे, ठीक है। एंड रग्बी नॉट जस्ट एज आउटडोर प्ले, आउटडोर प्ले के लिए ही नहीं, बट एज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश बॉयज द डिसिप्लिन, एक ऑर्गेनाइज्ड वे था कि इंग्लिश बॉयज जो थे उनको डिसिप्लिन सिखाने की, इंग्लिश बॉयज को डिसिप्लिन सिखाने की, ठीक है। The importance of Harike, the skills, the codes of honor and the leadership qualities that helped them build and run the British Empire. In skills ki wajah se benefit hua Britain boys ko ki wo discipline sikhe, inko well skills apne aap mein laaye, wo honor laaye, leadership quality laaye, taki wo British Empire ko success bana sake, uski help kar sake aur usko chala sake. Victorian Empire builders justified the conquest of other countries as an act of unselfishness social service by which backward people were introduced to civilizing influence of British law and Western knowledge. जो क्या था कि विक्टोरियन एम्पायर जो थे बिल्डर्स थे वो जस्टिफाई करने लगे कंट्रीज को, क्या आप अनसेल्फिश हो, आप सोशल सर्विस नहीं करते, बट जो बैकवर्ड पीपल थे वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे धीरे धीरे उनपे ब्रिटिश लॉज और वेस्टर्न नॉलेज जो है इन्फ्लुएंस कर रहा था। क्रिकेट हेल्प टू कन्फर्म द सेल्फ इमेज ऑफ द इंग्लिश, जो क्रिकेट था इसने हेल्प किया कि सेल्फ इमेज इंग्लिश की जो थी इंग्लिश लाइट की बाई ग्लोरिफाइंग द अमेच्योर आइडियल। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंग्लिश लाइट को क्या किया, ग्लोरिफाई किया किसके लिए, अमेच्योर आइडियल के लिए। व्हाइल क्रिकेट वॉज प्लेड नॉट फॉर विक्ट्री और प्रॉफिट, क्रिकेट इसलिए नहीं प्ले किया जाता था उस टाइम पे कि विक्ट्री मिले या प्रॉफिट मिले, प्रॉफिट मिले, बट फॉर इट्स ओन सेक इन द स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले। ये अपने ही मन में इन्होंने रखा था कि अपने कर्मों के लिए हम ये फेयर प्ले करते हैं, स्पिरिट नहीं करते हैं, इसको फेयर प्ले खेल लेते हैं, इसको इक्वल। तो ये किस लिए खेला करते थे, प्रॉफिट और विक्ट्री के लिए नहीं खेला करते थे, ये लोग खेला करते थे फॉर द फेयर ऑफ सेक, मतलब इनको ये अपने मन में होता था कि एक अच्छे कर्म करने हैं और फेयर प्ले खेलना है, जो सही गेम होगी वही इक्वली, नॉट गलत तरीके से नहीं, मतलब पार्शियलिटी नहीं करके फेयर प्ले खेलते हैं, ताकि इनकी जो ब्रिटिश सिविलाइजेशन पे जो इंग्लिश क्लब पे जो लोग ताने कस रहे थे या इनके बारे में जो बुरा भला कहते थे उस चेंज को, उस पार्शियलिटी को फेयर करने के लिए इन्होंने क्रिकेट का सहारा लिया, ठीक है। ये हमने आज पढ़ा, ठीक है, क्रिकेट और विक्टोरियन इंग्लैंड के बारे में, और आपने देखा कि जेंटलमैन्स गेम या कैसे सिविलाइज ब्रिटिश मिलिट्री थी। तो ये आज के डेट पे था 8/9/2020 पे क्रिकेट एंड विक्टोरियन इंग्लैंड। इंशाल्लाह कल हम इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक जो रहा हमारा वो रहा स्प्रेड ऑफ क्रिकेट, तो फिर स्प्रेड ऑफ क्रिकेट देखेंगे कैसे अदर कंट्रीज में इसका असर पड़ा, कैसे लोग उसको पसंद करने लगे, खेलने लगे क्रिकेट को, ये हम कल पढ़ेंगे कि कैसे ये स्प्रेड हुआ होल वर्ल्ड के वर्ल्ड में। तो ठीक है, ये आज का टॉपिक है, इंशाल्लाह कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। फिर हमारे